स्ट्रेट हो चुके हैं ब्लॉक। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चले तो आज का दिन एंड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस स्टीम कर रही हूँ। स्टीमिंग करते करते मेरी स्टीम हो गई है, मैंने इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया है कि थोड़ा सा ये बर्निंग इसकी कम हो। आई एम ऑल फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह एंड अभी हम नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो चले चलते हैं। ऐसे गाइज आज सुबह उठने के साथ शॉवर करने में मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ। अच्छा, ये लास्ट विंग्स पीसेस थे जो कि मैंने बना लिए हैं, बस आज क्रॉसिंग करने जाऊंगी तो ये भी लेके आऊंगी। मैंने सोचा बाहर जाके कहवा पिया जाए, बाहर का माहौल एंजॉय करें जब तक हमारे विंग्स भी फ्रेश हो जाए। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी, तो मुझे ये स्लो मॉर्निंग्स बहुत पसंद होती है। आराम आराम से बंदा उठे, आराम आराम से नाश्ता करे और पार्ट्स में नाश्ता करे, तो ये बहुत ही सुकून और पीसफुल वाइब होती है मॉर्निंग में। बाय द वे, आज हम जाने वाले हैं बाहर क्योंकि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे, ग्रॉसरी की भी, कपड़ों की भी और खाने पीने की भी शॉपिंग करनी है। लाइक बाहर ही डिनर वगैरह कर लेंगे हम। चलें तो देखें, बातों बातों में हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा, तो अभी मैं अपनी कर रही हूँ रूटीन वॉक जो कि 10 मिनट्स की होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट। इससे जो है आपका ब्रेकफास्ट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। एंड देखिए, मैं जैसे ही ऊपर आई तो मेरे रूम की पूरी सफाई हुई हुई थी, पूरा क्लीन था मेरा रूम। और आपको तो पता है क्लीन रूम की कितनी अच्छी वाइब होती है, सुकून आ जाता है आपको अंदर से। तो अभी मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, स्ट्रेट सारे करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर गाइस, यहाँ पर मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं बिल्कुल। ओके गाइस, मैं बिल्कुल हल्का सा टचअप करूंगी अपने फेस पे। सबसे पहले आई एम यूजिंग बी क्रीम ब्लेंडर थोड़ा सा। Oops, मैं सनब्लॉक लगाना तो भूल ही गई। शिट, oh, no. इसके ऊपर लगाना पड़ेगा अभी मुझे। अप्लाइंग अ लिटिल बिट कंसीलर। ओ शिट, सनब्लॉक। अभी मैं लगाऊंगी लिपस्टिक एज अ टिंट, ब्लश ऑन ब्रश एंड ब्लेंडर टाइप का बटर। लगाऊंगी मैं मस्कारा। मस्कारा मुझे ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके गाइस, बस मैंने बेबी क्रीम कंसीलर अप्लाई किया, ब्लश एंड लिपस्टिक वही है, एंड वी आर रेडी टू गो। तो अभी आई विल मेक माय हेयर। ओके गाइस, माय हेयर आर डन। अभी हम जो है स्कार्फ की सेटिंग करते हैं एंड अपना पर्स कैरी करते हैं। एंड ये मैं वॉच पहन रही हूँ, ये मैंने रिंग पहनी है, उसमें कोई ब्रेसलेट या एनीथिंग मैंने कुछ नहीं पहना। एंड दीज आर माई स्लीपर्स, नाउ लेट्स गो। और मैं जैसे ही नीचे आई, हनी ने केक बनाए हुए थे, तो गरम गरम, उसकी यूनिवर्सिटी की पिकनिक थी तो इट वॉज़ लाइक वेरी यम्मी डाइट थी, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया, बहुत बहुत मज़े का था, फ्रेशली बेक। ओके गाइस, हम बाहर निकल आ चुके हैं, हम अभी जा रहे हैं ग्रॉसरी की तरफ एंड फिर हम करेंगे शॉपिंग। एंड अगर आपको डायरेक्टली शॉपिंग देखनी है तो आप स्किप करके शॉपिंग वाले पार्ट पे जा सकते हैं। लिटरली गाइस, आई कांट बिलीव, इतनी फॉग थी बाहर और ये थोड़ा सा शाम का टाइम था, ना सुबह का टाइम था, ना ही कोई ऐसा टाइम था जिसपे जो है फॉग होनी चाहिए।
अच्छा आप सोच रहे होंगे इतनी फॉग पे हैरत क्यों हो रही है, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहती हूँ, लाहौर इस्लामाबाद नहीं है। जैसे यहाँ पे पहुंचे मगरिब का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा गाड़ी में ही 3 फर्ज होते हैं वो पढ़ लूं और फिर चलते हैं हम अपनी शॉपिंग की तरफ। ओके गाइज, वी आर फाइनली हेयर, तो अभी करते हैं ग्रॉसरी। अच्छा, तो आई वॉज इन सर्च फॉर सम सीड्स, मुझे अलग अलग सीड्स लेने थे, पर जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो मुझे इन्होंने मिक्स सीड्स दिखा दिए, तो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो मुझे एक ही पैकेट में सारी चीज़ें मिल गई। मिक्स अभी डिस्काउंट में है, मैं 2 कर दूँ पैकेट? नहीं, ये कब से डिस्काउंट चल रहे हैं? मैम ये डिस्काउंट चल रहा है 3-4 दिन हो गए। एंड फाइनली मैंने अपने विंग्स भी ले लिए हैं, एंड जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी मैंने सब ले लिए हैं। जिंजर पाउडर मुझे कहवा पाउडर में डालना था, और टूथपेस्ट भी चाहिए थी वो भी ले ली, एंड यहाँ पे थोड़ी सी मेडिसिन हैं वो भी ले ली। तो अभी यहाँ पे हमारी बिलिंग होती है एंड फिर चलते हैं हम शॉपिंग की तरफ। लाइक दिस वॉज शॉपिंग टू, लेकिन कपड़ों की शॉपिंग की तरफ चलते हैं। वैसे गाइस आपको तो पता होगा कि जनरेशन पे 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है, तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं एंड चेक करते हैं कि हमें क्या क्या ड्रेसेस नजर आती हैं। ओके गाइस, लुक एट दिस हॉट पिंक कलर, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। प्राइस देखिए आप इसको हाफ कर दे, लाइक 50% ऑफ में थी फ्लैट। फॉर सपोज अगर ये 2 पीस 7,000 तक का था तो हाफ में 3,500 का मिला था, लाइक दिस इज अ ह्यूज डिस्काउंट। चले तो अभी चलते हैं अलकरम पे, वहाँ भी बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई है। एंड लुक एट दीज शर्ट पीसेस जो कि अनस्टिच थी, दे वर रियली रीजनेबल। As you all know, अलकरम की तरफ हम आते हैं तो ज़्यादातर हमारा फोकस अनस्टिच पे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ब्रांड्स जो हैं गुल अहमद हो गया, अलकरम हो गए, ये अनस्टिच के लिहाज से काफ़ी फेमस है। वैसे आई वॉज नोटिसिंग कि अलकरम की प्राइजेस कुछ ज़्यादा ही डाउन हो चुकी हैं, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग फॉर अस। एंड दीज स्वेटर्स आर सो अमेजिंग, लाइक 50% ऑफ पे हैं ये भी, फर्स्ट इट वॉज लाइक फॉर 4,000, नाउ दे आर फॉर 2,000। बट लेट मी शो यू देयर ऑल स्वेटर कलेक्शन। Guys, these black and white sweaters are to die for, बहुत ही अच्छे, like you can style them with the loose jeans or trousers। अच्छा आजकल वैसे wide leg pants जो है वो काफी trend में है, तो उनके साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। And look at this leather jacket, बहुत ही अच्छी लग रही थी। This frock was too beautiful, और इसकी प्राइस थी ये, जो कि मैंने अच्छी तरह से आपको दिखा दी है, एंड ये इनकी न्यू लॉन कलेक्शन में थी। मैंने इनसे 2 बार पूछा और उन्होंने अभी यही मुझे कहा है कि ये मतलब लॉन की कलेक्शन में न्यूली आई हैं। अभी जो भी मैं आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी, ये सारे जो है लॉन कलेक्शन में इनके न्यू पीसेस आए हैं। अच्छा, जो अभी आप शर्ट्स देख रहे हैं ये शॉर्ट शर्ट्स थी लॉन की, इसी कलेक्शन में ही आई हुई। आप ये पेयर कर सकते हैं जीन्स और क्यूलॉट्स के साथ। लिटरली गाइस, दिस ड्रेस प्राइस वाज अमेजिंग फॉर 2 पीस, लाइक इट वाज 2,700। दिस ग्रीन ड्रेस इज सो प्रिटी, इसकी प्रिंट का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगेन कमिंग टू द पिंक ड्रेस, बहुत ही अच्छा है और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, लाइक लिटरली इट वॉज लाइक ओनली 1470। इसके बाद हनी और मैंने ये ड्रेस निकाला जो कि बहुत देखने में सिंपल था, लेकिन फिर भी वो हैवी लग रहा था शायद कलर की वजह से। और फिर ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा था, लाइक
गुड कलर एंड उसके अंदर जो ये दुपट्टा था ये थोड़ा सा छन वाला था तो काफ़ी नाइस। एंड दिस ब्लैक एंड वाइट माई फेवरेट, ये भी अच्छा लग रहा था मुझे और इसकी प्राइस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ अ पिंक टू पीस जो के प्राइस इसकी ये। एंड लुक एट दिस क्यूट ड्रेस, बहुत ही क्यूट ड्रेस थी और ये लॉन की थी न्यू कलेक्शन में, तो दिस वॉज नॉट ऑन अ सेल। एंड इसकी अब प्राइस चेक करते हैं, इसकी प्राइस है, यू कैन सी इट पॉज करके और बस आगे अभी देखते जा रहे हैं। और ब्लैक एंड गोल्ड इज ऑलवेज माई फेवरेट। एंड अभी हम इसी रैक पे आ चुके हैं जहाँ पे सेल्समैन बता रहा था कि ये सारी 1500 पर शर्ट है, तो आई थिंक ये बहुत ही रीजनेबल है और अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो वो इस टाइम पे आके परचेज कर ले, बहुत ही फायदे में जाएगा। अच्छा, जो ये सारी शर्ट्स हैं ये विंटर बेस्ड हैं, मतलब इन सबका जो फैब्रिक था वो विंटर के हिसाब से था, किसी का लीलन था, किसी का विस्कोस था, किसी का खदर भी था। आपको तो पता है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा विंटर्स मतलब नहीं आता एज़ कम्पेयर टू समर्स, तो इसलिए बस वो क्या करते हैं कलेक्शन निकालते हैं और फिर जब वो इतनी सेल नहीं होती तो फिर सेल पर लगा देते हैं। तो हमारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन होती है क्योंकि हमें जो है वो विंटर्स अभी भी चल रहे हैं, आगे एक महीना या दो महीना और भी होंगे, तो अगर हम लेते हैं तो हमारा ही फायदा होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सेल में से शॉपिंग करना और सेव करना अपने पैसे। ऑनेस्टली दिस ड्रेस लुक्स सो प्रिटी इन रियल, ये बहुत मज़े की है और इसकी प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल थी। तो बस यहाँ पे मेरी शॉपिंग एंड होती है, तो अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए। ओके, तो अभी हम आ गए हैं कबाब चीज़ पे, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं। एक्सक्यूज़ मी, उसकी डील है आपके पास चिकन पीसेस की, लेग एंड थाइम सेपरेट में के लेग एंड थाइम मिल जाता है? तो मुझे चेस्ट के अलावा लेग थाइम और तीसरा कोई भी कर दे। तो लेट्स गो, अभी ट्राई करते हैं कबाब चीज़ फ्राइड चिकन। सुना है ये केएफसी से भी ज़्यादा अच्छी है एंड आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स लाइक वाव अमेजिंग, बहुत मज़े की है। और यहाँ पे हमने जो है स्ट्रॉबेरीज देखी, तो हमने स्ट्रॉबेरीज भी ली और बस मैं स्ट्रॉबेरीज भी खा रही थी अपनी मील खाने के बाद। एंड यहाँ पे मामा और हनी ने हामिद बिरयानी खाई जो कि मैंने भी एक दो बाइट लिए, लाइक आज मेरा चीट डे हो गया है। शॉपिंग एंड खाना पीना हो गया, अभी चलते हैं घर वापस। घर आने के साथ ही मैंने ग्रीन टी बना ली क्योंकि मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर दी थी आज, एक गिल्टी प्लेजर था। ओके गाइस, आई एम बैक होम एंड अब करते हैं मेकअप रिमूव। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल की हालत देखें, बस मैं गई थी तो सारी फैली हुई है, अब इसको भी सेट करूँगी लेकिन सबसे पहले मेकअप रिमूव करना है मुझे। चलें तो लेट्स रिमूव इट। हमेशा डबल क्लींस किया करें, थोड़ा सा भी मेकअप लगाएं, लाइक बीबी क्रीम ही आप लगाएं, सनब्लॉक ही लगाएं। वैसे तो हर रात मुझे ये मेकअप रिमूवर से अपना मुंह साफ करना चाहिए लेकिन मतलब हो नहीं पाता, लेकिन अगर आप मेकअप करते हैं तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सारा मेकअप उतार के दिखाती हूँ कि कितना डर्ट होता है। बाहर हम जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से हमारे मुँह पर मिट्टी लग जाती है और फिर ये देखें, कैन यू सी, और ये वाला होता है कि जब आप मेकअप रिमूव करते हैं दोबारा से क्लींजर कह दें या फिर फेस वॉश कह लें तो यू हैव टू डबल क्लींस ताकि फिर आपको जो है इरिटेशन ना हो, ब्रेकआउट ना करे आपकी स्किन मेकअप की वजह से। मेकअप तो करें, सबको पसंद होता है, लेकिन उसकी जो पोस्ट केयर होती है ना वो भी करना लाजमी है। गेट दिस गाइस, ये सारा डर्ट मेरे मुँह पे था।
ओके गाइज, लुक एट माई फेस, कितना क्लियर हो गया है डबल क्लेंजिंग करने के बाद। मैं हमेशा आपको मेकअप करना तो दिखाती हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी ये नहीं दिखाया कि मेकअप रिमूव करने से, डबल क्लेंज करने से आपकी स्किन कितना अच्छा फील करती है, कितना लाइट फील करती है। जस्ट लुक एट दिस, सांस ले रही है जैसे मेरी स्किन। चलें तो गाइज, अभी मैं स्किन केयर का रूम था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपने इन्जॉय किया हो अच्छे से। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई ब्लॉग, और अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।